हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि सीबीआई की टीम सुशांत के परिजनों के लगातार संपर्क में है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में मौजूद परिवार के लोगों से सीबीआई की टीम केस से जुड़ी जानकारी जुटा रही है और सुशांत के परिवार ने अब तक जो जानकारी दी है उसमें रिया, उसके परिजनों, मैनेजर पर कई आरोप लगाए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुशांत के पिता से पैसों की लेन देन के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। तो बड़ी खबर आ रही है। तो सुशांत के परिवार के संपर्क में सीबीआई जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। तो हम सीधे रुख करते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। तो प्रकाश, ये जो जानकारी आ रही है इसका क्या फलसफा, इसका क्या निहितार्थ निकाले जाए? देखिए, जो एफआईआर दर्ज की गई है और जो बातें उसमें लिखी गई हैं उस पर जांच हो रही है। जाहिर है कि उसमें ये बताया गया था एफआईआर में कि 17 करोड़ रुपए सुशांत के खाते में थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपए का गबन किया गया है और सीधा आरोप रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार और मैनेजर श्रुति मोदी पर लगा था। तो इस बारे में जो कुछ भी जानकारी दी जा रही है तो ये एक फॉर्मेलिटी है कि जो बयान दिए गए हैं उसके बारे में पहली जानकारी लेनी कि क्या क्या उनके पास कोई सबूत है या उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जिस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वो सब जानकारी इकट्ठा करना। न सिर्फ पैसों का लेन देन बल्कि रिश्तों को लेकर भी बातचीत है, क्योंकि उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये उकसाया गया है उसे, सुशांत को मौत का फंदा लगाने के लिए। तो इस बात भी कि आखिर कौन कौन सी वजह हो सकती है जिसमें कि जो व्हाट्सएप चैट अभी तक सामने आए हैं या फिर जो कॉल्स आए हैं, जो कॉल्स डिटेल्स आए हैं, तो ये सारी जानकारी ली जाएगी। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए और मैं अपने दर्शकों को बता दूं तमाम सहयोगी हमारे इस समय फील्ड में मौजूद है।